वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। पार्टनरशिप अकाउंट्स का चैप्टर है साझेदारी खाते, नए साझेदार का प्रवेश। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर मीन्स कि पार्टनरशिप में जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन किया जाता है, मीन्स नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है, तो फिर हमें क्या क्या उसमें कैलकुलेशन करने होते हैं, उसके रूल रेगुलेशन सिस्टम क्या है, एवरीथिंग सब कुछ पढ़ेंगे। देखिए पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जब किसी नए पार्टनर को उसमें एंट्री देते हैं तो उनके जो पहले से जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होता है वो सब कैंसिल हो जाता है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर मीन्स रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, मीन्स कि किसी पार्टनर का प्रवेश करना मतलब होता है कि साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन करना। पहले से जो कुछ भी इनके बीच में अनुबंध होता है, एग्रीमेंट होता है, सभी कुछ कैंसिल हो जाता है और फिर से नया एग्रीमेंट बनता है। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 के 1 में बताया गया है कि पार्टनरशिप में किसी नए पार्टनर का प्रवेश किया जाता है तो फिर जो उनके पहले के जो कुछ भी एग्रीमेंट होते हैं वो सारे कैंसिल हो जाते हैं। देखिए जब किसी नए पार्टनर का प्रवेश होता है ना, तो उसके पहले से जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है, वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका पुराना जो लाभ हानि का जो अनुपात होता है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि नए पार्टनर के एंट्री के बाद नए पार्टनर को भी उसका शेयर देना है, इसलिए फिर एक नए सिरे से जितने भी न्यू और ओल्ड पार्टनर्स थे ऑल पार्टनर्स के बीच में एक नया न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बनाना पड़ता है, उनका क्या प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होगा वो बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा अगर किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं तो, और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसको कि हिंदी में त्याग का अनुपात बोलते हैं। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, जब कोई न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेता है तो उसके लिए जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस करते हैं। सपोज किसी बिजनेस में टू पार्टनर्स थे पहले से, तो वो प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब एक न्यू पार्टनर आ गया, थ्री पार्टनर्स हो गए, तो अब ये प्रॉफिट को इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका रेशियो, इनका हिस्सा कम हुआ, तो जितना हिस्सा इनका जो कम होता है उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके त्याग का अनुपात निकल जाता है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुडविल, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं ख्याति, तो गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। गुडविल क्या चीज़ है, गुडविल कह रहे हैं कि ख्याति एक लाभ है जो कि व्यवसाय के संबंध में एवं प्रसिद्धि से प्राप्त होता है। गुडविल जिसको हम लोग ख्याति कहते हैं, कोई बिजनेस या बिजनेसमैन या कोई भी पर्सनालिटी वो जितनी फेमस होती है उसके बिजनेस में जुड़ने से, उसकी बिजनेस में एंट्री करने से उसका जो गुडविल था, उसकी जो ख्याति थी, उसका बेनिफिट पार्टनरशिप फॉर्म को, पूरे फॉर्म को मिलता है, उसी को बोलते हैं ख्याति। और ख्याति ये अमाउंट के रूप में इसको कैलकुलेट किया जाता है। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए मेरा अलग से वीडियो है ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सारे मैथड दिए हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, ख्याति के मूल्यांकन के जो 4 मैथड है, एवरेज प्रॉफिट मैथड, सुपर प्रॉफिट मैथड, इन्वेंटरी मैथड और कैपिटलाइजेशन मैथड। ये चारों ही मैथड के लिए आप गुडविल वाला वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो ख्याति का भी जब आप मूल्यांकन कर लेंगे, जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसकी ख्याति और जो फर्म चल रही है, जो फर्म है उसके गुडविल, दोनों के गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, यानी कि संपत्ति का फिर से पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। जब किसी नए पार्टनर की एंट्री होती है तो फर्म की जितनी भी संपत्ति होती है, उसकी जो भी लाइबिलिटीज होती है, उसके प्रॉफिट्स, उसके एवरीथिंग, सबका फिर से रिवैल्यूएशन किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, ताकि और नए पार्टनर के प्रेजेंस में किया जाता है, ताकि उसे ये सेटिस्फेक्शन हो कि वो एक अच्छे फॉर्म के साथ, एक अच्छे बिजनेस के साथ
जुड़ रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए, जब हमने रिवैल्यूएशन का अकाउंट, जिसको कहें कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है उसे जो भी पार्टनर्स है फॉर्म में, न्यू ओल्ड जितने पार्टनर्स हैं उन सबके बीच में उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगी। उसके बाद जब हम लोग संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कर लेते हैं और उससे जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसे ऑल पार्टनर्स में उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद फिर से हमें ऑल पार्टनर्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। बिकॉज हम लोगों ने क्या किया है कि सारी असेट्स का, लाइबिलिटीज़ का फिर से उनका रिवैल्यूएशन किया है, तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल भी कई बार इंक्रीज़ हो जाती है, कई बार डिक्रीज हो जाती है। कैसे? सपोज़ किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है, आहरण किया है अपने पार्टनरशिप अकाउंट से, तो उसका जब हम लोग फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका कैपिटल कम हो सकता है। और फिर फाइनली लास्ट में न्यू बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। जो पहले से कंपनी का बैलेंस शीट है वो तो है ही, बट न्यू पार्टनर की एंट्री के बाद हमें फिर से बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ कि जब किसी पार्टनरशिप में नए पार्टनर्स का एडमिशन होता है, न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, तो न्यू पार्टनर का एडमिशन मीन्स कि जो ओल्ड एग्रीमेंट, जो ओल्ड डिड थी, उसमें जो कुछ भी रूल रेगुलेशन सिस्टम लिखा था सब कैंसिल हो जाता है और नए सिरे से फिर से संपत्ति दायित्वों का सबका पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है और ख्याति का भी मूल्यांकन करना पड़ता है जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसकी गुडविल। यह एक बात और बताना है कि जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है, जो ख्याति की राशि लेकर आता है, उसे पुराने साझेदारों में, ओल्ड पार्टनर्स में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बिकॉज क्योंकि नए पार्टनर के लिए ओल्ड पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया होता है, इसलिए अब गुडविल का वैल्यूएशन कर लेने के बाद हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, या जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं, इसे बनाना पड़ता है और फिर न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट। ओके, तो आई थिंक ये पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या करना है इतना क्लियर हो गया होगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके स्टूडेंट।